Hi, this is Nish Chaudhary. Welcome to my channel. After so long time, I will try to do my best from today also. So this is our first video. Here we will see the Suzuki's Grand Vitara 2007 model with the petrol engine. Engine specification will be around 2 liter petrol ke saath. नमस्कार दोस्तों, मैं हनीश राज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की। सो सबसे पहले इसके फ्रंट्स की बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट हेडलैम्प के साथ हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा। एवन काफी बड़ी इसमें हेडलाइट देखने को मिलेगी। नीचे में इसके फॉग लैम्प देखने को मिलेगा एंड फुल ऑल व्हील ड्राइव ये व्हीकल होने वाला है। इसमें अगेन 2007 का ये मॉडल देखने को मिलेगा। ओवरऑल फ्रंट से बात करते इसमें काफी बड़ी इसमें ग्रिल देखने को मिलती है एंड टू स्टेज में इसमें फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी। डीडी दमन एंड ड्यू नंबर की गाड़ी आई हुई है एंड ये थोड़ा सा साइड से इसका लुक चेकआउट करवा दूं। और ऑल टायर्स की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली ऑल टेरेन टायर्स देखने को मिलेंगे। जिनकी साइज की बात करें तो 235/70 R16 की इसमें मल्टी टेरेन टायर देखने को मिलेंगे। अब इसके साइड के ओवरव्यू की बात करते हैं तो इसमें व्हाइट लाइट में इंडिकेटर देखने को मिलेगा। सो साइड का थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। और काफ़ी बड़ा इसमें रियर व्यू मिरर भी देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे क्रोम की पट्टी थी जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इवन ये इसका लुक चेकआउट करवा दें, अलॉय व्हील में गाड़ी देखने को मिल जाएगी। साथ ही रियर से कुछ देखते हैं तो काफ़ी अच्छा एंड मस्कुलर लुक इसमें देखने को मिलेगा। अब रियर टेल लाइट की अगर बात करते हैं तो उसमें सेम वही हेलोजन बल्ब के साथ ये टेल लाइट देखने को मिलेगी एंड अगेन सेम इसमें टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे एंड ऑल व्हील ड्राइव ये व्हीकल देखने को मिलेगा। साथ ही रियर की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसमें तो रियर में एक स्टेपनी देखने को मिलेगी एंड साथ ही साइड ओपन डोर इसमें देखने को मिलेगा। डोर की बात करते हैं तो काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी का इसमें डोर देखने को मिलता है। अगेन पीछे में कुछ स्पेसिंग भी देखने को मिलती है, लाइक ये ग्रैब हैंडल की तरह वर्क भी करता है। साथ ही अंदर की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे टूल्स के लिए प्लेसमेंट की जगह देखने को मिलेगी एंड रियर में बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट इसमें देखने को मिल जाएगा। इवन फुल ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। इसमें अगेन इसमें पार्सल ट्रे भी एडजस्टेबल देखने को मिलेगी एंड काफ़ी अच्छा एंड मस्कुलर लुक इसमें देखने को मिलता है ओवरऑल गाड़ी की बात करते हैं तो। साथ ही रियर टेलगेट के लिए हाइड्रोलिक बार भी देखने को मिलेगा। सो रियर से कुछ ऐसा। अभी रियर डोर की जैसे बात करते हैं तो इसमें बेसिकली रियर वाइपर भी देखने को मिलेगा, साथ ही इसके ऊपर में वॉशर भी देखने को मिलेगा एंड अगेन एंटीना के लिए प्लेसमेंट ऊपर की हुई है। साथ ही ग्रैंड विटारा की इसमें अगेन बेजिंग देखने को मिल जाएगी जो कि एक सुजुकी का काफ़ी बेहतरीन एंड ऑफ रोडिंग लाइक ऑल टेरेन व्हीकल ये देखने को मिलता है। अगेन राइट साइड में इसमें पेट्रोल लिड ओपनर को देखने को मिल जाएगा, साथ ही टायर साइज सेम देखने को मिलती है, योकोहामा के इसमें टायर देखने को मिल जाएंगे एंड ये इसका ओवरऑल लुक चेकआउट करवा देता हूँ। सो दिस इज द फ्रॉम साइड लुक। ओवरऑल रूफ वूफ काफ़ी अच्छी इसमें बिल्ड क्वालिटी इसमें देखने को मिलेगी और कंपेयर करें अब वाली कार्स की तो। सो अब इसका इंजन कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ। साथ इसके इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें ओवरऑल यहाँ का दिखा दे, बोनट काफ़ी है, हैवी बिल्ड क्वालिटी का इसमें बोनट एंड काफ़ी वेट का इसमें बोनट देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल इंजन की बात करते हैं तो इसमें 1999 cc अराउंड 2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि 165 bhp के साथ 220 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो कि इस गाड़ी के लिए काफ़ी पावरफुल बना देता है। ओवरऑल चलने में गाड़ी कैसी है उसका भी रिव्यू देते हैं बट बिल्ड क्वालिटी वाइज लाइक बोनट की साउंड का मैं चेकआउट करवा देता हूं। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं। सो सबसे पहले बॉडी कलर इसमें ग्रैब हैंडल देखने को मिलेंगे, साथ ही राइट डोर की बात करते हैं इसमें ORVM कंट्रोल्स के साथ पावर विंडो कंट्रोल एंड ऑन लॉक अनलॉक के स्विच भी देखने को इसमें मिल जाएंगे एंड सेम इसमें ग्रैब हैंडल एंड लॉक कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल इंटीरियर की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें फ्यूल लिड ओपनर यहाँ पे नीचे को में देखने को मिलेगा एंड 3-way एडजस्टेबल इसमें सीट देखने को मिल जाएंगी प्योर मैनुअल। नाउ अब इसके अंदर की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर विंडो अप, साथ इसमें राउंड ग्लोसी एयरवेंट्स देखने को मिलेंगे। नीचे में यहाँ पे हेडलाइट के साथ हेडलाइट एडजस्टर का स्विच देखने को मिलेगा। ओवरऑल ऑडोमीटर की बात करते हैं इसमें 200 तक की MPH की स्पीड के बारे में बताया हुआ है एंड 8000 RPM के बारे में बताया हुआ है।
फ्यूल एंड टेम्परेचर के गेज इसमें देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल स्टेरिंग क्वालिटी की अगर बात करते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा एंड स्मूथ स्टेरिंग देखने को मिलेगा एंड इसमें कुछ स्टेरिंग के माउंट्स देखने को मिलेंगे। साथ इसके सेंटर कंसोल की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसमें इनबिल्ट इसमें स्टीरियो देखने को मिलेगा, सिंगल इन स्टीरियो। साथ ही नीचे में इसके एसी का कंट्रोल देखने को मिलेगा, कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे एसी वेंट्स के देखने को मिलेंगे, ऑटो एसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगेन इसमें न्यूट्रल, 4H, 4 लो एंड 4 हाई का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएंगे। रियर में डिफोगर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगेन इसमें एक और यहाँ पे कंपार्टमेंट, सीक्रेट कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा जिसमें इजीली अपन वॉलेट एंड फोन इजीली रख सकते हैं। साथ ही इसमें 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, सिगरेट लाइटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड सेंटर की बात करें तो यहाँ पे हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। हैंड ब्रेक के साथ ही यहाँ पे अलग से कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा जिसमें कप्स वगैरह इजीली होल्ड कर सकते हैं, वो भी सिक्योर बनाने के साथ। एंड ओवरऑल इसके ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे हेजल लैम्प का स्विच देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर इसमें एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे। साथ इसमें क्लॉक के साथ टेम्परेचर सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। राइट साइड की अगर बात करते हैं तो इसमें बेसिकली यहाँ पे ग्लो बॉक्स देखने को मिलेगा, ग्लो बॉक्स के ऊपर में एयरबैग देखने को मिलेगा। अगेन ये 2 एयरबैग के साथ ही गाड़ी आती थी। नाउ रूफटॉप की अगर बात करते हैं तो इसमें सेम सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगा, साथ ही उसके लिए 2 रीडिंग लैंप्स भी देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में क्रिएट किए हुए हैं। वैनिटी मिरर्स के साथ इसमें सनवाइजर्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम बोथ द साइड, सेम हियर। साथ ही इसमें फ्रंट में बात करें तो राइट ऑल डोर्स में इसमें स्पीकर की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। अगेन आर्मरेस्ट के नीचे में कुछ स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। इवन इसमें फिक्स आर्मरेस्ट है, इसमें स्लाइडिंग आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल इसके फीचर्स जो कि फ्रंट में देखने को मिल लेते हैं, साथ ही अब इसके रियर का थोड़ा सा लुक चेकआउट करवा देता हूँ। लेकिन रियर की अगर बात करते हैं तो इसमें सेम पावर विंडो कंट्रोल के साथ इसमें कुछ मैगजीन होल्डर के साथ स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। ओवरऑल स्पेसिंग की बात करें तो बेसिकली इसमें काफ़ी अच्छी स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी। रियर की बात करें तो भी काफ़ी अच्छी स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी। एंड सीटिंग की बात करते हैं इसमें 2-वे एडजस्टेबल इसमें रियर सीट्स देखने को मिलती हैं जिनका कंट्रोल यहाँ पे टॉप ऑफ द सीट्स में दिया हुआ है। ओवरऑल ये इसका ओवरव्यू है फ्रॉम द इनसाइड। सिटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो उसका वीडियो जस्ट अभी मैं क्लिप में शो कर देता हूँ। हेडरूम काफ़ी अच्छा है, इवन लेग रूम भी काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल जाएगा, लाइक ये जो सीट मैंने एडजस्ट की हुई है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड। अभी थोड़ा सा इसका ड्राइवर सीट का ओवरव्यू दे देता हूँ। साथ इसमें ऑटो अप के साथ पावर विंडो देखने को मिल जाएगी। एंड अगेन ये ड्राइवर सीट का कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो ओवरऑल काफ़ी मस्कुलर चलने में तो देखने को मिल जाएगी इजीली, बट अंदर से व्यू की बात करते हैं तो काफ़ी भी अच्छा इसमें व्यू देखने को मिलता है। इवन इसमें बोनट भी थोड़ा बहुत दिख जाता है फ्रंट से। एंड ब्लैक बीस्ट लाइक इसमें एक फीलिंग हो रही लाइक जैसे भी गियर अपन इंगेज करके स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ फील नहीं होता लाइक गाड़ी दब रही है या फिर लो पिकअप का ऐसा कोई भी इशू नहीं होता। इवन मैं थर्ड गियर में भी चुका हूँ, नो डाउट ऐसा कोई इशू नहीं इसके साथ नहीं फील हो रहा है। चलने में सिंपली एक्सेलेटर पे पैर रखने की बारी इसमें देखने को मिलती है, उतने में तो गाड़ी लपक लेती है, इतना फास्ट इसमें पिकअप देखने को मिलेगा जो कि एक पेट्रोल इंजन है, दैट्स वाई पॉसिबल है। एंड वन मोर थिंग मारुति की है, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे टफेस्ट कार ये होने वाली है इन इंडिया अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो उनमें। एंड एक इशू जो मारुति की गाड़ियों में शुरू से ही मुझे देखने को मिल रहा है लाइक बॉडी में थोड़ा सा साउंड, बॉडी साउंड इसका ज़्यादा देखने को मिलता है अदर वन लाइक टोयोटा अगर की बात करते हैं तो। एंड चलने में बात करें तो लाइक फॉर्चुनर टाइप भी कुछ फॉर्चुनर से अबाव की ही इसमें फीलिंग देखने को मिलेगी ड्यू टू 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। एंड चलने में काफ़ी ईजी है, रफ है एंड नो डाउट बॉडी साउंड इसमें आता है, बट जो इंडिकेटर का कंट्रोल्स हैं वो लेफ्ट में मिलेंगे लाइक जो फोर्ड फिगो में जैसे देखने को मिलते हैं। आई थिंक वन एंड ओनली वन कार ये मारुति सुजुकी की होने वाली है जिसके अंदर रिवर्स में इंडिकेटर कंट्रोल और वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। एंड माइलेज की अगर बात करें तो बेसिकली पेट्रोल इंजन है सो माइलेज विल बी अराउंड 6 to 8 किलोमीटर पर लीटर ओनली, दैट्स वाई माइलेज
कम है बट वो एक फीलिंग चलाने में सारी निकल आती हैं। इनकेस अगर गियर्स की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी स्लो मूवमेंट में ही गियर इजीली इंगेज हो जाते हैं एंड ब्रेकिंग एब्सोल्युटली काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिलेगी एंड ऑल व्हील ड्राइव ये गाड़ी फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव ये कार देखने को मिल जाती है एंड अगेन इसको फादर ऑफ विटारा ब्रेजा भी कह सकते हैं। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी पुरानी है बट इतनी पुरानी होने के बाद भी वही रेस्पॉन्स है। एज सच ऐसा कोई इशू नहीं आता मारुति के इंजन्स में जैसा कि इस गाड़ी को देखने के बाद लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट योर लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नियर द सब्सक्राइबर बटन।